5 के आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों को किसी भी बीजगणितीय विधि से हमें हल को आगे हल करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1080 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात करना है। तो जिस चीज को हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो, माना नियत व्यय को हम एक्स मान लेते हैं तथा प्रतिदिन भोजन भोजन पर व्यय व्यय को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने वाई माना है, नियत व्यय को हमने एक्स माना और प्रतिदिन भोजन पर व्यय को हमने वाई मान लिया। अब प्रश्न में क्या कहा है कि प्रश्न में कहा है कि ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये अदा करता है, ठीक है। इसी तरह से बी विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये अदा करता है, ठीक। तो ये हो गया ए और बी के कुल दिनों का भुगतान पेमेंट, ठीक है। तो 20 दिन में जब 20 दिन ए विद्यार्थी खाना खाता है तो 1000 रुपया देगा ए विद्यार्थी, और बी विद्यार्थी 26 दिन खाना खाएगा तो 1080 रुपया अदा करेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो नियत है, ठीक है, नियत वह वो क्या है, एक्स है, मतलब वहाँ पे पहले से फिक्स है। अगर वो एक दिन भोजन करेगा तो एक दिन का पैसा इतना ही लगेगा, या दो दिन का खाना खा रहा है दो दिन का फिक्स है इतना ही लगे, मतलब नियत वह में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होता है। तो नियत वह को हमने क्या माना है, एक्स। तो हम अब हम समीकरण बना लेते हैं। तो नियत वह जो है वो एक्स है, ठीक है, एक्स में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगा, तो एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन वाई जो है, ठीक है, वाई क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो 20 दिन है ना, 20 दिन ये लिखेंगे 20 और वाई, क्यों, क्योंकि ये जो है हर दिन अलग अलग रेट देना पड़ता है, इसीलिए प्रत्येक दिन के हिसाब से, इसीलिए ये क्या होगा, 20 के साथ वाई का गुणा हो जाएगा। नियत के साथ कोई भी गुणा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नियत फिक्स है, लेकिन ये प्रत्येक दिन का है, हर दिन अलग अलग रेट है, तो इसी के हिसाब से क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पे वाई का गुणा। अब इसके बाद क्या है, ये 1000, ठीक, ये बन गया एक समीकरण, समझ में आया। इसी तरह से बी को भी बना लेते हैं, बी वाले में, तो बी में भी नियत जो है वो फिक्स रहेगा, लेकिन 26 दिन प्रत्येक दिन को अगर जोड़ते हैं तो 26 दिन का जो भोजन का व्यय है वो कितना आएगा, ये वाई बराबर 26 दिन के साथ ये हो जाएगा 1080, यही आ गया दूसरा समीकरण। यहाँ तक समझ में आया, कहीं पे डाउट, नियत को कभी भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। नियत जहां भी लिखा रहेगा उसे आपको सिंपल से अगर मान रहे हो तो आपको एक्स बस मानना है, उसके साथ कोई भी संख्या का गुणा नहीं होता है। नियत के साथ जो भी गुणा होगा उसके साथ होगा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि प्रतिदिन व्यय कह रहा है यहाँ पे, तो व्यय में हमने क्या कर दिया, वाई का गुणा कर दिया, तो 20 दिन वो खाना खा रहा है तो 20 वाई हो जाएगा, 26 दिन खाना खा रहा है 26 वाई हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से समीकरण बन गया, ये आपको समझ में आया, आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसे हल करने के कई विधि है, तो हम यहाँ पे 3 विधियों का उपयोग करेंगे, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक है वज्रगुणन विधि, क्यों, क्योंकि तीनों विधि को हमने एक साथ कंपेयर करके कहीं भी किसी भी वीडियो में हमने कंप्लीट नहीं किया है, और इस प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि किसी भी विधि से हल करना, ठीक है। तो आप जिस विधि से चाहते हो उस विधि से हल कर सकते हो, तो हम इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको अलग अलग विधि से हल करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से सभी विधियों को समझ जाओगे, ठीक। तो चलो पहले वाले को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों जो है एक्स चर राशि समान है, तो समान है तो घटाएंगे तो कट जाएगा, तो ये घटा दिया तो चिन्ह में क्या हो गया, परिवर्तन, ये दोनों कट गया, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे माइनस चिन्ह बढ़ा है, यहाँ पे 6y बचा, इसी तरह से ये भी घटेगा तो ये हो गया और ये आ गया 180, घटा देंगे तो चिन्ह क्या आएगा, ये देखो ये बड़ा मान है इसलिए माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों से माइनस कट जाएगा तो बचा क्या, बचा है सिर्फ 6y बराबर 180, और ये हो गया वाई बराबर 180 बटा 6, 6 को भाग दे दो,
छः का हम 6 18 मतलब 30, तो यहाँ पे y का मान आ गया 30। ठीक, समझ में आ गया, y का मान प्राप्त हो गया 30। अब इस y के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण एक में, तो रख दो समीकरण एक में y का मान रखने पर। जरूरी नहीं है कि y का मान सिर्फ आप समीकरण एक में रखो, चाहो तो समीकरण दो में भी रख सकते हो, x का मान सेम टू सेम प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम समीकरण एक में रख रहे हैं। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है x प्लस 20y बराबर 1000। ये हो गया x प्लस 20y का मान कितना है, 30 है, गुणा कर दो इसके साथ, और ये हो गया 1000। तो x प्लस गुणा कर दो, तो ये हो गया 3 2 6, ये आ गया 600, और ये हो गया 1000। फिर यहाँ पे x इस 600 को उस पर पक्षांतर कर दो, तो 1000 माइनस 600, तो यहाँ पे x का मान प्राप्त हो गया 400 रुपये। ठीक, तो फिक्स जो नियत व्यय था वो कितना है, नियत व्यय जो है वो है 400 रुपये था, मतलब उसको 400 रुपये इतने दिन का देना ही पड़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है। और जो वाई है वो प्रत्येक दिन के हिसाब से 30 रुपये देना पड़ेगा। तो नियत व्यय और प्रत्येक दिन का व्यय यहाँ पे निकल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न के दोनों मानों को मान लेते हैं। तो मान लो, तो माना अंश को हमने x माना तथा हर को y माना है। ठीक, अंश और हर दोनों मिलके क्या बनेगा, भिन्न बनेगा। तो भिन्न क्या हो गया, भिन्न जो है वो हो गया x बटा y हो जाएगा, और हमें x और y के मान को निकालना है। अब प्रश्न में क्या कहा है कि एक भिन्न 1/3 कब हो जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 घटाएंगे, तो देखो अंश बस में घटाने के लिए कहा है ना, तो ये हो गया अंश में 1 घटा दिए। हर में घटाने कहा है क्या, नहीं कहा है, तो हर जैसा है वैसा ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये तिरिया गुणा होगा, ये रहा नीचे के दोनों मान, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x-1 बराबर y1y। ठीक है, अब इस 3 का अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया 3x-3 बराबर y। ये जो 3 है उसको इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, ये जो y है इसको इस साइड ला लेते हैं, 3 को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -y, और ये 3 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये बन गया एक समीकरण। ठीक, समझ में आ गई ये। अब क्या कहा है, फिर प्रश्न पढ़ते हैं। एक समीकरण तो निकल गया, अब दूसरा समीकरण निकालना है हमें, तो दूसरा समीकरण निकालते हैं। तो दूसरे समीकरण के लिए पॉइंट जो बन रहा है वो है, वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ना है इस बार, हर में। तो क्या इसमें एक्स, क्या इसमें अंश का जिक्र हुआ है, नहीं, तो अंश क्या रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अब हम जोड़ देते हैं y-8 बराबर 1/ प्लस ना, जोड़ना है, तो ये हो जाएगा y+8, और कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये रहा बन गया। ठीक, अब इससे हम दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको भी तिरिया गुणा कर दो, तो ये नीचे का मान यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 4x, ये मान इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4+8 हो जाएगा। ठीक, इसको हम दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो प्रश्न है इसको हम इस बार प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर हल करेंगे। तो चलो इस बार मैं समीकरण 2 को लेकर हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहाँ पे जो 4 है, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, तिरिया गुणा के नीचे में, तिरिया गुणा के रूप में कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, तो 4+8, और ये आ गया 4। ठीक, यहाँ पे क्या निकल गया, एक्स का मान, यहाँ पे सॉरी यार ये है वाई है, मैं 4 लिख रहा था, ठीक है ये वाई है। ठीक, y+8 हो गया 5 4। अब ये जो x का मान है इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये किससे बना है, ये जो x का मान जो प्राप्त हो किससे हुआ, समीकरण 2 से, तो हम इसे समीकरण 2 में नहीं रख सकते, कहाँ पे रखेंगे, समीकरण एक में। ठीक, तो समीकरण एक में रख दो, तो समीकरण एक है, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक 3, x के स्थान पे क्या रखेंगे, y+8
एट अपान चार, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस वाई बराबर तीन दिया हुआ है, तीन का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो गया तीन वाई प्लस आठ या चौबीस अपान चार माइनस वाई बराबर तीन। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, तो दोनों के नीचे के दोनों हर बराबर कर लेते हैं, तो ये हो गया चार एकम चार, और इस चार का यहाँ पे भी गुणा होगा, अगर इसके साथ गुणा है मतलब इसके साथ भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस चार वाई हो जाएगा। इस एक का इस पूरे पद के साथ गुणा होगा तो वही मान प्राप्त होगा तीन वाई प्लस चौबीस बराबर तीन। इस ये जो चार है वो तिरिया गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचा तीन वाई प्लस चौबीस माइनस चार वाई बराबर चार, तिया कितना हो जाएगा गुणा होगा तो बारह हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कट जाएगा तो कितना होगा माइनस वाई बचेगा, और ये जो चौबीस है उसको उस पार ले जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा चौबीस, ठीक है। तो ये हो गया माइनस वाई बराबर घटा दो तो ये हो गया माइनस बारह, तो वाई का मान प्राप्त हो गया बारह। दोनों में माइनस था तो दोनों से माइनस कट के क्या हो गया वाई बराबर बारह प्राप्त हो गया, ठीक। तो यहाँ पे वाई का मान निकल गया। अब इस वाई के मान को चाहे आप समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण दो में रखो एक्स का मान निकल जाएगा, तो हम इसे समीकरण एक में रख देते हैं। तो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, तो ये हो गया तीन एक्स, वाई का मान कितना रखेंगे बारह बराबर तीन, तो ये हो गया तीन एक्स, इस बारह को उस पर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा उस साइड जाके, और यहाँ पे बचा क्या तीन एक्स बचा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स तीन जो है वो एक्स के साथ गुणा के रूप में है तो उस साइड जाएगा, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, ये हो गया पंद्रह। अगर ये इस साइड जाएगा तो कहाँ पे आएगा नीचे में आ जाएगा तिरिया गुणक रूप में, तो यहाँ पे फिर बचा एक्स, तो एक्स का मान प्राप्त हो गया पाँच। तो भिन्न क्या प्राप्त हो रहा है, तो भिन्न जो प्राप्त हो रहा है एक्स वाई का मान प्राप्त हो रहा है पाँच बट्टा बारह, यही हमें क्या करना था निकालना था, ये रहा हमारा आंसर, ठीक। समझ में आ गई, ये आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या बताना है, ठीक है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्नों की संख्या आपको बताना है इसमें निकाल के। अब यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो माना सही प्रश्नों की संख्या को हम x मानते हैं तथा गलत प्रश्नों की संख्या को हमने y मान लिया, ठीक है। सही प्रश्नों की संख्या को हमने x और गलत प्रश्नों की संख्या को हमने y मान लिया। अब प्रश्न में क्या कहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक प्रश्न मतलब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर कितने 3 अंक, और गलत उत्तर पर कितना अंक मिला एक उत्तर, ठीक है। तो सही को हमने क्या माना है एक्स, तो सही जो है वो 3 है, ठीक है। तो 3 को हमने मान लिया 3x और गलत को क्या मान लिया वाई, ठीक। तो 3 एक था तो एक था तो वाई बस रहेगा, और टोटल कितने अंक है 40 अंक उन्होंने प्राप्त किया, ठीक। इसको हम समीकरण एक नाम देते हैं, समझ में आ गई है। फिर क्या कहा है, आगे फिर पढ़ते हैं। तो इस बार अगर सही हो रहा है चार प्रश्न मतलब सही प्रश्नों पे 4 अंक मिलता है तो ये हो जाएगा 4x, और गलत प्रश्नों पे 2 अंक मिलता है मतलब 2y, और कुल कितना मिल रहा है 50, तो इसको हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण दो। ये समझ में आ गया, समीकरण बन गया यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण दो। प्रश्नों को हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या होता है, वज्र गुणन विधि जो होता है वो x अपान, ठीक है, x का अगर x ले रहे हैं तो x वाले मान को बस हम क्या करेंगे यहाँ पे विलोपित कर देंगे, गायब रखेंगे, बाकी जो मान दिखाई दे रहे हैं इसी बस को हल करेंगे। तो इन दोनों का तिरिया गुणा इसके साथ होगा और इन दोनों का तिरिया गुणा इसके साथ होगा, तो यहाँ पे क्या है 50 गुणित 1, तो 1 गुणित ये 50 हो गया माइनस, फिर 2 गुणित 40, ठीक, ये समझ में आ रहा है। फिर y को ले लो, y वाले को लेंगे तो y वाला गायब रहेगा, अब दिखाई क्या दे रहे हैं आपको x और संख्या वाला दिखाई दे रहा है, अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 3 गुणित 50 हो जाएगा, इसी तरह से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 40 हो जाएगा बराबर, संख्या वाला क्या है यहाँ पे माइनस रहता है ना सूत्र में। फिर संख्या वाला क्या है, अगर संख्या वाला को गायब रखेंगे तो सिर्फ हमें ये मान दिखाई देगा, तो ये हो गया 3 गुणित 2 माइनस 4 गुणित 1,
ठीक, अब बस इसको क्या करेंगे, हल बस कर देंगे। तो हल कर दो, ये हो गया एक्स अपान 50 से कम 50 माइनस, ये हो जाएगा 40 दूनी 80 आ गया। यहाँ पे माइनस वाई, ये हो गया 50 दिया 150, और ये हो गया 40 से 4 चौक 16, मतलब 160 हो जाएगा। फिर इसी तरह से संख्या को भी निकाल लो, ये हो गया 3 दूनी 6, और ये हो गया -4। एक्स बराबर घटा देते हैं, तो 80 में 50 को घटाएंगे इतना प्राप्त होगा -30। यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ भी घटा देंगे तो यहाँ पे -10 प्राप्त हो जाएगा, बराबर यहाँ पे सिर्फ 2 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेकर हल करेंगे, दूसरी बार इन दोनों को लेकर हल करेंगे। तो पहले हम एक्स वाले को लेकर हल करें, तो एक्स और यहाँ पे -30 बराबर 1/2 हो गया। ठीक, अब इसको तिरिया गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया तिरिया गुणा करेंगे तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा -30, और 2 जो 2 है वो नीचे ही रहेगा क्योंकि एक्स को हमें अकेला ही करना था। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब काट दो इसको, तो एक्स बराबर कितना आ गया, -15। यहाँ पे ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आता, क्यों आ रहा है लेकिन माइनस में, ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो हमने प्रश्न में यहाँ पे जो 40 है इसको हमें इस साइड में लाना होता है, तो ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 50 भी माइनस में हो जाएगा। तो जो एक्स का मान है वो उसके बाद अगर ये विधि लगा के हल करेंगे तो ये मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये मान जो है वो प्लस में आता। ठीक, समझ में आ गया, माइनस में क्यों आया है, अगर आप उस इस विधि से हल कर रहे हो तो उसको पहले अंदर ला लेना है। ठीक है, और उसके पीछे में जो 40 है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कैसे समीकरण बनेगा, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ। 3x+y -40 बराबर 0, ये समीकरण बनेगा। फिर 4x+2y -50 बराबर 0, ये बनेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वर्गगुणन वाला जो ये सूत्र है इसको आपको लगाना है, तब क्या होगा, x का जो मान है वो प्लस में प्राप्त होगा, वरना ये माइनस में ही प्राप्त होगा। अब y का मान निकाल लेते हैं, दोनों मानों में चेंज होगा, जो मान प्लस में प्राप्त हो रहा है वो माइनस में होगा, माइनस में जो प्राप्त होगा वो प्लस में प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे y का निकाल लेते हैं, तो y हो गया y माइनस, ये हो गया -10 बराबर 1/2। यहाँ पे दोनों से y y से क्या हो गया, प्लस कट गया, a माइनस कट गया, तो ये हो गया y/10 बराबर 1/2। तिरिया गुणा कर लो, तो इस 10 को उस पार ले जाते हैं तो y बराबर 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। ये जो y का मान है ये किस में प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, जो x का मान जो माइनस में है वो प्लस में प्राप्त होगा, और जो y का मान प्लस में प्राप्त हुआ है वो माइनस में प्राप्त होता, बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है क्योंकि हमने प्रश्न को थोड़ा से अलग तरीके से हल किया है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या कैसे निकालते हैं, x+y दोनों को जोड़ दोगे तो प्रश्नों की संख्या निकल जाएगा। तो x का मान कितना है, x का मान है -15 और y का मान है 5, दोनों को जोड़ दिए तो घट के कितना प्राप्त हुआ, -10। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया -10, तो ये आंसर जो आएगा आपका प्लस में आएगा, कब, जब आप इस वाले समीकरण का उपयोग करके हल करोगे। ठीक, बाकी जो आंसर वो पूरा सही है, सिर्फ किस में अंतर आ रहा है, सिर्फ इसमें माइनस में बस चेंजेस हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा पर चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, यदि वे विपरीत दिशा पर चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चाल बताइए। तो हमें क्या बताना है, दोनों कारों की चाल बनाना है। तो पहली कार की चाल को हमने x मान लेते हैं, यहाँ पे माना पहली कार की चाल x तथा दूसरी कार की चाल y मान लेते हैं। ठीक है, पहली को हमने x माना और दूसरी कार की चाल को हमने y माना। अब ये प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान है, मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक में नहीं समझाऊंगा, सीधी सी बात, सीधी से एक छोटा सा पॉइंट में आपको मैं समझाऊंगा। अगर दो कारें हैं, दोनों कार अगर एक ही दिशा में चल रहा है, मान लो आप अगर स्कूल जाते हो तो दो भाई हो आप लोग, तो दोनों भाई स्कूल का टाइम सेम है, ठीक है, दोनों एक साथ जा रहे हो, लेकिन एक साथ जा रहे हो और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो वहाँ पे जो है वो एक दूसरे के बीच में अंतर अंतर पूछा जाता है, इसका मतलब। तो मतलब क्या है कि जो पहली कार की जो चाल है वो एक्स रहेगा और दूसरी कार की चाल क्या रहेगा, x-y बराबर कितना का डिफरेंस है,
डिफरेंस जो है ये निकालेंगे, और दूरी कितना चल रहा है उसको 100 मीटर, ठीक है। इसी तरह से कार को निकाल रहे हैं, तो दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये है मान लो सड़क है, ठीक है, दोनों ये ए है और बी है, दोनों इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्या होगा, एक्स माइनस वाई लगेगा। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा क्या होता है, एक्स माइनस वाई लग जाता है। अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में चले तो मतलब एक जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो दूसरी है वो यहां से इस डायरेक्शन की ओर है, ठीक है, एक इस डायरेक्शन की ओर और एक इस डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों में प्लस लग जाएगा, ठीक। और ये आ गया 100। अब प्रश्न में क्या कहा है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे बाद दोनों मिलता है, तो ये हो गया पहले वाले को पहले हल कर रहे हैं ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे बाद ये मिल रहे हैं, उसके बाद दूसरा ये समीकरण एक बन गया। अब क्या करें, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से चल रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से चल रहे हैं, मान लो एक का स्कूल का छुट्टी हो गया है, एक क्या हो गया, ये स्कूल से घर की ओर जा रहा है, ये घर है, ठीक है, और दूसरा घर से स्कूल की ओर आ रहा है, तो दोनों इस पॉइंट में मिलेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कितने घंटे बाद मिलेगा, 1 घंटे बाद, तो ये रहा एक का गुणा, ठीक, समझ में आ गया। इसको हम दूसरा समीकरण नाम देते हैं, इस 5 के अंदर गुणा कर दो, तो ये होगा 5x माइनस, या एक काम करो इस 5 को 3 गुणा करके नीचे ला लो, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई बराबर 100/5 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, तो एक्स माइनस वाई बराबर ये काट दो, तो 5 दूनी और 5 शून्यम, तो ये हो गया, ठीक, एक समीकरण मतलब निकल गया, इसको तीसरा समीकरण नाम दे दो, और ये क्या, एक का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे सिर्फ 100 ही रहेगा, ये हो गया चौथा समीकरण, ठीक। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल कर लेते हैं, तो चलो सिंपल सा हल कर लेते हैं, घटा देते हैं तो घटाएंगे, या जोड़ भी देते हैं, जोड़ेंगे ये कटेगा, घटाएंगे तो ये कटेगा, चलो घटा ही देते हैं, ठीक है, हर बार हम घटा रहे हैं तो घटा ही दें, तो ये दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस होने के कारण कट गया, ये दोनों माइनस माइनस होने के कारण जुड़ गया, तो -2 आ गया, बराबर यहाँ पे माइनस और ये प्लस में है, तो घटेगा कितना प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा -80, तो यहाँ पे वाई का मान प्राप्त हो गया -80 और -2, ठीक है, माइनस को यहाँ भी ला ले, दोनों से माइनस कट गया, तो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे हो गया 2 एकम और 2 चौके 2 4 ये 40 प्राप्त हो गया, ठीक है, तो वाई का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब इस वाई के मान को आप चाहे समीकरण 3 में रखो, चाहे समीकरण 4 में रखो, किसी में भी रखो, एक्स का मान निकल जाएगा, तो हम वाई के मान को समीकरण 4 3 में रख देते हैं, तो ये हो गया एक्स माइनस ये हो जाएगा 40 बराबर 20, तो ये हो गया एक्स, और ये जो 40 है वो चला जाएगा इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे 20 और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 40, तो यहाँ पे एक्स का मान प्राप्त हो गया 60, ठीक, समझ में आया, एक्स का मान 60 और वाई का मान 40, मतलब पहली कार की जो चाल है, यहाँ पे दिखाई दे, पहली कार की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ठीक, समझ में आ गई ये चीज। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, आयत की विमाएं ज्ञात करना है, तो चलो इसको ज्ञात करते हैं, मतलब एक्स और वाई के मान को निकालना है, विमा का मतलब वही होता है, ठीक। तो एक आयत ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझो, ठीक है, आयत आयत ले लेते, क्या एक आयत में आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब 9 इकाई कम हो जाता है, तो एक आयत के क्षेत्रफल में लंबाई को हम x मानते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो x y बनेगा और इसमें 9 इकाई यहाँ पे कम हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई में, अब क्या कह रहा है, लंबाई में कम करना है, लंबाई में कितना 5 और चौड़ाई में हमें 3 जोड़ना है, ठीक है, लंबाई में और चौड़ाई में 3 जोड़ना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, ये 9 इकाई कम हो जाएगा, मतलब इससे एक समीकरण बन जाएगा, तो बना दो, तो एक्स माइनस 5 और वाई प्लस 3, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई माइनस 9, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे होगा, देखो समझो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई की कम हो जाना, इसको अभी साइड में रखो, ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इस वाले पॉइंट को, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लंबाई को हमने x माना, इसमें 5 इकाई कमी कर दी, और चौड़ाई को हमने क्या माना, y माना, इसमें 3 इकाई की वृद्धि कर दिया, तब आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाएगा, तो 9 इकाई की जो कमी होगा वो किस में होगा, इसके क्षेत्रफल में कमी नहीं होगा, जो हमने बढ़ाया ही नहीं, ना ही घटाया हमने मान, देखो यहाँ पे घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसका अलग क्षेत्रफल मान प्राप्त होगा, लेकिन
ये जो कह रहा है वो डायरेक्ट आयत का जिक्र कर रहा है, तो आयत में यहाँ पे कह रहा है कि 9 इकाई की कमी हो जाना। तो हमने एक्स को लंबाई माना और चौड़ाई को हमने क्या माना, वाई माना। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो दोनों को गुणा कर दो एक्स और वाई को। तो ये रहा एक्स वाई का गुणा कर दिया तो आयत का क्षेत्रफल हो गया। इसी क्षेत्रफल में हमने कितने की कमी करना था, 9 की कमी, तो ये 9 की कमी करके इसके साथ ऐड कर दिए। ठीक, तो कमी कमी वाला ये सभी मान कमी वाला हो गया, तो यहां से एक समीकरण बन जाएगा। तो आगे हल कर लो, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं करता हूँ एक्स वाई का गुणा होके हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स का इसके साथ गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, फिर 5 का गुणा होगा तो -5y हो जाएगा, और 5 3 15 हो गया बराबर एक्स वाई -9 हो जाएगा। अब देखो जो जो कटे उसको कटा दो, तो यहाँ पे देखो ये पी प्लस में, ये भी प्लस में, एक दूसरे अलग अलग साइड पे है, अगर मैं इसको इस पर पक्षांतर कर लाता हूँ तो भी कट जाएगा, इसलिए मैं यहीं से इसको कटा देता हूँ। ठीक, तो ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है, 3x है -5y, ये 15 उस पार चला जाएगा, तो -9 -15 कितना हो जाएगा, 3x -5y बराबर जोड़ दो तो 15 और 9 कितना हो जाता है, 24। तो ये हो गया 24 हो गया। ठीक, इसको एक समीकरण नाम दे दो। उसके बाद दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं। फिर आगे क्या कहा है, फिर आगे कहा है, फिर मैं यहाँ पे एक और चित्र बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझो, फिर क्या कहा है, फिर कहा है उसमें कि यदि लंबाई में 3 इकाई, ठीक है, 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ जाते हैं, मतलब इस बार बढ़ाना है हमें, तो एक्स में हम 3 बढ़ा देते हैं और वाई में हमें 2 बढ़ाना है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को किसे दर्शाएंगे, एक्स वाई, तो वृद्धि हो जाता है 6 7 की वृद्धि हो जाता है। देखो वृद्धि किए तो इसको लगाएंगे। ठीक है, तो अब इससे एक समीकरण बन जाएगा। तो फिर करो एक्स माई एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 6 7। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर एक्स का गुणा इसके साथ भी होगा तो 2x, फिर 3 का गुणा 3y प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया एक्स वाई प्लस 67। जो जो कट है उसको कटा दो, ये दोनों कट गया, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर ये हो गया 67, ये 6 67 जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर घटा दो तो ये हो गया 61 प्राप्त हो गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको तीनों विधि में से किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो, चाहे तो आप वज्रगुणन से हल करना चाहे वज्रगुणन से हल कर सकते हो, विलोपन से या प्रतिस्थापन से, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो। आगे मैं यहाँ पे हल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने समीकरण निकाल के आपको बता दी, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट हल किया और इसको ज़्यादा समझा भी नहीं पाया। ठीक, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बाकी आप हल करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को आगे हल करेंगे।